हेलो कॉमरेड्स, और कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं मिला मेरा एक दोस्त से, बहुत दिन बाद मिला। इसका नाम है हनीफ और हम लोग प्यार से इसको बॉम बुलाते हैं। तो कुछ बोल। हेलो बोल। हेलो। तो आज हम लोग जाएंगे घूमने, देखते हैं किधर चलते हैं। बहुत दिन बाद मिला इसका साथ। उधर देखो कौन आ रहा है, प्यार में डूबा हुआ इंसान। घर से ही नहीं निकलता है अभी, इतना डूब चुका है प्यार में भाई। क्या बोलो। और इससे मिलो, ये है आमिनूर। ब्रो इधर आ। और कैसा लग रहा है प्यार में डूब के भाई? भाई बहुत बुरा लगता है। अरे भाई, इसको इतना बड़ा धोखा मिला ना, क्या बोलो। बेचारा आप घर से ही नहीं निकलता है, सारा दिन घर में। आप लोग लड़की देखो, इसका शादी कराएंगे। एक अच्छा सा लड़की देखो। मने नहीं लगता बाहर निकलने के लिए, अच्छा नहीं लगता। अरे अरे, इसका शादी कराएंगे। आप लोग एक अच्छी सी लड़की ढूंढो। आप लोगों को एक खूबसूरत चीज दिखाता हूँ, देखो। ये देखो सनसेट। उफ भाई, नजारा देखो भाई, एकदम अलग ही व्यू है भाई। तो हम लोग जा रहे हैं अभी बागमारा। बागमारा उधर चाय पीने जाएंगे, बहुत दिन से नहीं जा रहा है, आज मिला तो। अब एक्चुअली घर पे कोई नहीं रहता है, सब लोग अपना अपना काम में बिजी है। तो आज बहुत दिन बाद मिला तो सोचा कि बागमारा चलते हैं। बागमारा उधर एक आंटी जी है, चाय बनाता है, बहुत मस्त चाय बनाता है पकौड़े के साथ। तो उधर जाएंगे, चाय पियेंगे। तो आप लोग आगे देखते रहो, उधर दिखाते हैं। और आमिनूर भाई, दर्द कम हुआ कि नहीं भाई इश्क का? इस दोनों ये लड़का, दो लॉन्डो देख रहे हो, दोनों को मतलब इश्क में दर्द मिला भाई। एक ने तो पूरा दाढ़ी वाड़ी रख लिया। इधर इस तरफ घूम थोड़ा भाई, देखो भाई पूरा दाढ़ी रख लिया, और एक का तो दाढ़ी उगी नहीं रहा है अभी तक। भाई वैसे ही रहेगा ना। और जो छोड़ के गया उसका याद आता है कि नहीं भाई? तो जिंदगी भर आ जाएगा उसके याद। अरे अरे यार, देखो लड़की हो, देखो इसको बोलते हैं प्यार भाई। लड़की कब छोड़ के चली गई, लेकिन ये अभी तक भूल नहीं पाया, अभी भी प्यार करता है। तो लड़की अगर कोई, इधर भाई तेरा मुंह दिखा भाई, अगर कोई चॉइस करता है तो बोलना मुझे, मैं भाई का साथ मिला दूंगा। और ऐसे भी इसका शादी भी कराएंगे जल्दी, बहुत जल्दी। तो लड़की भी ढूंढ रहे हैं, अच्छा लड़की मिलने से एकदम कम फाइनल भाई। और लौंडा हैंडसम भी है बहुत भाई, कैप्टन अमेरिका, हम लोग का इधर का कैप्टन अमेरिका है ये। तो चलते चलते आ ही गए, पहुंचने ही वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। इधर डाउन है, डाउन का बादी है वो दुकान, ये रहा सामने डाउन। ये एक डाउन है देख सकते हो, और चारों तरफ जंगल है, दोनों तरफ जंगल ही है बस, और सामने ही है वो दुकान। बागमारा में चारों तरफ आपको सब हरे ही नज़र आएंगे, क्योंकि इधर का लोग मतलब प्लांटेशन करते हैं ज़्यादा करके, पेड़ को ज़्यादा काटते नहीं है। ट्राइबल लोग ना, ये लोग को पहाड़ी। आप लोग अगर आएंगे कभी बागमारा में तो आप लोगों को चारों तरफ हरा ही नज़र आएंगे, क्योंकि इधर लोग जो लोग है वो ट्राइबल लोग है। ट्राइबल लोग ज़्यादा मतलब ज़्यादा करके प्लांटेशन करते हैं, वो लोग पेड़ को ज़्यादा काटते नहीं है, मतलब वो लोग को जंगल में ही रहना ज़्यादा पसंद है। मतलब इतना साफ सुथरा है ये लोग बहुत। और ट्राइबल लोगों का मतलब आप अगर उनसे कभी मिलेंगे तो उन लोगों का बिहेवियर एकदम बहुत ही अच्छा है। बिहेवियर मतलब इतना है ना, अच्छा है, सब लोगों का अच्छा है, लेकिन ट्राइबल लोगों को मिलेंगे तो वो लोग का बिहेव मतलब नेक्स्ट लेवल है। और ट्राइबल लोगों को लोग बोलते भी है पहाड़ी करके भी बोलते हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर पहाड़ी इलाका में रहते हैं। और इन लोगों का घर में अगर कभी जाओगे ना तो मतलब देखोगे, मतलब फूल का जो पौधे होते हैं, मतलब ऐसा करके मतलब रखते हैं ना, मतलब चारों घर का जो नक्शा है, मतलब वो लोग बैम्बो से भी अगर घर बनाते ना, नक्शा जो बनाते ना, एकदम देखने में बहुत क्यूट होते हैं वो घर, एकदम बहुत खूबसूरत होता है। और सामने है एक पुल, देखो ये रहा सामने में एक छोटा सा पुल बैम्बो का,
और उधर कुछ लोग पता नहीं क्या कर रहा है, मछली पकड़ेंगे शायद, ऐसा लग रहा है मछली पकड़ेंगे, इसीलिए वो पता नहीं क्या कर रहा है, नेट वगैरह शायद लगा रहा है ना कुछ, देख ही सकते हो। थोड़ा जूम करता हूँ, ये जूम करने से फट जाता है, कैमरा क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। वो देखो बेम्बो से कुछ तो बना रहा है मछली पकड़ने के लिए। और ये रहा छोटा सा एक पूल, मेरा मोबाइल ना गिर जाए भाई, और इस तरफ भी दिखा देता हूँ। ये देखो इधर मतलब एक झरना जैसा है, उधर से उधर एक झरना है और सामने, तो उधर से पानी बह के आते हैं, तो बह के आकर इधर से जाता है पानी, ज़्यादा बड़ा नहीं है, नला जैसा है। तो इधर एक छोटा सा ब्रिज है, ब्रिज तो नहीं है, बेम्बू का पुल है। तो सामने है आंटी लोगों का दुकान, तो उधर चलते हैं। तो ये रहा ट्राइबल भाई लोगों का एक गार्डन, वो मैं उधर वीडियो बना रहा था तो वो दोनों आके इधर बैठ गए मेरा इंतजार करते हुए। देखो मुर्गी की तरह बैठ गए ये दोनों। वो सामने देखो वॉलीबॉल खेल रहा है, हम लोग तो इस साल वॉलीबॉल भी नहीं खेल रहा है, इस बार ठंड का दिन है, ऐसे वॉलीबॉल खेलने से मतलब बॉडी भी हीट हो जाता है और अच्छा भी लगता है वॉलीबॉल गेम मतलब। तो ये भाई लोग ट्राइबल भाई लोग है ये सब, तो ये सब लोग वॉलीबॉल खेल रहा है। हम लोगों का उधर इस बार नेट लगाया ही नहीं, तो खेलने का बात तो दूर। और ऐसे ये सब लोग बैडमिंटन खेलते हैं रात को, मैं ही नहीं आता, आने का मन नहीं करता, ठंड है ना बहुत। तो हम लोगों ने भी सोचा कि इधर आ ही गए तो थोड़ा खेल के जाते हैं वॉलीबॉल, वैसे भी इस साल एक बार भी नहीं खेले, बॉल छूए तक नहीं, तो सोचा हाथ लगा के जाते हैं इधर, एक दो हाथ लगा के चलते हैं इधर। तो अभी थोड़ा आप लोग वेट करो, हम लोग थोड़ा खेलते हैं अभी। ये सर्व कर रहा है अभी, अरे नेट का हाइट थोड़ा डाउन है, हम लोग पहले जिधर खेलते थे नेट का हाइट थोड़ा इससे थोड़ा ज़्यादा था, इधर डाउन मार पाऊंगा शायद। इस साल बॉल टच ही नहीं किया, पता नहीं, लेकिन आई थिंक लग रहा है मार पाऊंगा डायन को तो मारना ही है वैसे जिंदगी से हटाना ही है डायन को, मैं डाउन को डायन बोल रहा था, तो डायन को तो मारना ही है, लेकिन डाउन मरने का भी कोशिश करूंगा, अगर हो सके तो मैं कैप्चर करूंगा, दिखाऊंगा आप लोगों को, नॉट श्योर दिखा पाऊंगा कि नहीं। तो भाई लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो भाई प्लीज़। ये देखो भाई गेट देख रहे हो, घर का है ये गेट, कुछ दिन पहले ये इधर क्या हुआ था, क्रिसमस हुआ था ना, तो ये इधर सब लोग क्रिश्चियन हैं, तो ये सब लोग मतलब क्रिसमस सेलिब्रेट किए थे, तो अभी भी लाइट है। ये है एक चार्ट्स हमारे क्रिश्चियन भाई लोगों का, ट्राइबल लोग इधर का जितना ट्राइबल लोग है सब लोग क्रिश्चियन है, तो ये सब लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। तो बहुत अच्छे से सजाया था, अभी भी है कुछ कुछ देख सकते हो, बहुत इंजॉय करते हैं ऐसे ये लोग मतलब क्रिसमस के रात को। तो अगर मेरा ब्लॉग बनाना जारी रहा तो अगले साल आप लोगों को इधर का क्रिसमस दिखाऊंगा, मतलब गांव का क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करते हैं, आप लोग शायद अमेरिका का लोग, बाहर का लोग कैसे क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं वो सब तो देखे ही होंगे, लेकिन गांव का जो अलग मतलब क्रिश्चियन जो लोग हैं वो लोग का नियम कानून सब तो सेम ही है, लेकिन गांव में जो सेलिब्रेट करते हैं वो थोड़ा अलग टाइप का होता है, मतलब इसमें रंगीन टाइप का बोल सकते हो। वो पीछे देखो गेट, गिरजा घर, और ये है आंटी का स्टॉल।
तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे आंटी जी की दुकान पे, और मैं चाय का ऑर्डर दे रहा था और वो दोनों उधर बैठे हुए थे चाय का इंतज़ार करते हुए, और वो बॉम साला पता नहीं किससे लाइन मार रहा है, फ़ोन पे बात कर रहा है और इंतज़ार कर रहा था। और फाइनली हम लोगों का चाय आ चुका था और पकौड़ा भी आ चुका था, तो मैं वीडियो कर रहा था। वो दोनों बहुत गाली दे रहा था, बोल रहा था साला तेरा वीडियो का चक्कर में हम लोगों को लेट खाना पड़ेगा। तो देखो दोनों प्यार में इश्क में डूबे हुए इंसान, और वो देखो कैसे चुस्की ले रहा है चाय का। तो बहुत सारे बातचीत किए हम दोनों, मतलब हम तीनों बहुत सारे बातचीत। तो फाइनली चाय पीना हो गया है और चाय पे बहुत चर्चे भी हो रहे थे। आप लोगों को तो पता ही है, अगर दोस्त लोग बहुत दिन बाद मिलते हैं तो कितना इलॉजिकल बातें होता है, कोई सेंस नहीं होता है बातों का। तो बहुत सारे बातें किए, तो अभी चलेंगे घर की तरफ, घर जाना होगा। और आप लोगों को शायद वीडियो का क्वालिटी मतलब ख़राब आ रहा है अभी का, क्योंकि अभी अंधेरा हो चुका है, मतलब लाइट का इधर ही खराब हो के मतलब वीडियो कर रहा हूँ। तो कैमरा क्वालिटी थोड़ा मतलब ख़राब है, तो उस हिसाब से मैनेज कर लो आप लोग। तो अभी चलेंगे घर के तरफ, तो चलो चलते हैं। देख सकते हो चारों तरफ कितना अंधेरा, और ये ठंड का मौसम में बहुत जल्द ही रात हो जाता है, अंधेरा देखो। तो हम लोग जा रहे हैं अभी घर। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अभी घर, इसका घर में आ चुके हैं। तो आंटी जी का चाय पी के बहुत अच्छा लगा, और बहुत दिन बाद गए तो दोस्त लोग के साथ मूड फ्रेश हो जाता है। आप लोग भी अपने दोस्त लोग के साथ बाहर निकलो, देखना मन हल्का हो जाएगा अगर कुछ परेशानी रहे तो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया। तो अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो, अपने दोस्त लोग के साथ शेयर करो, और कमेंट करो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, और चैनल को एकदम ठपक से सब्सक्राइब कर दो। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ, stay healthy and be a comrade.